अल्लाह के नाम से बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। हिंदुस्तान ने कश्मीर पर अपना गासबाना कब्जा जमाया था और शहीद बेटों को कश्मीर के की माओं को उनके बच्चों को हमजा शहबाज और पूरी कौम सलाम पेश करती है। और आज के दिन हम ये आदा करते हैं कि हमारे दिल कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ धड़कते हैं और आज ही के दिन अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन जालिमों को जिन्होंने कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत वबा की है उनसे हिसाब ले और इंशाल्लाह वो दिन आएगा जब कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद में कामयाब होंगे। पाकिस्तानी कौम भी दुआ करे कि बड़ा दिल छलनी होता है जब पैलेट गन से जख्मी शुदा शेर देखने को मिलते हैं, लोगों की बिनाई जाती है, तो हम उस तकलीफ का एहसास नहीं कर सकते जो कश्मीरी कौम जिससे गुजर रही है। अल्लाह ताला वो दिन लाए जब उनको सुख का सांस मिले। आज पंजाब असेंबली में महंगाई के ऊपर ऑपोजिशन की रिकॉग्निशन पर इजलास बुलाया गया है और इससे पहले कि मैं महंगाई पे कोई बात करूं, मैं समझता हूं कि कल ये सुनने को मिला कि 70 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। इन 3 सालों में जितनी महंगाई हुई है, मैं क्या जिक्र करूं इमरान न्याजी साहब के झूठे वादों का, जो 1 करोड़ नौकरियों से शुरू हुए थे, 50 लाख घर पे शुरू हुए थे, 200 अरब डॉलर इन्होंने बाहर से लूटी हुई रकम लानी थी, साउथ पंजाब को इन्होंने सूबा बनाना था और आज 4वां साल शुरू हो चुका है इस हुकूमत का। तेल जो 70 रुपये लीटर हुआ करता था आज 178 रुपये लीटर है, 138 रुपये लीटर है। इसी तरह डीजल जो 2017 में 78 रुपये लीटर था आज 134 रुपये लीटर है। यही नहीं, पिछले 4 महीनों में पेट्रोल प्राइस में 29 रुपये का होशरबा इजाफा हुआ है। आप जानते हैं, आपके कानों ने भी सुना, मेरे कानों ने भी सुना, इन आंखों ने भी देखा कि न्याजी साहब कहा करते थे कंटेनर पर चढ़कर कि जब पेट्रोल बढ़ता है, गैस बढ़ती है, डॉलर बढ़ता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। तो आज ये फैसला पाकिस्तानी कौम ने करना है कि जो अल्फाज इमरान न्याजी साहब ने अदा किए थे आज ऐन वो उन पर पूरे उतरते हैं। उन्होंने चाहे कौम से 3 सालों में सिर्फ झूठ बोला, ऑपोजिशन से अंधा इंतकाम लिया, आपने लोगों को जेलों में डाला, सब बर्दाश्त है, लेकिन आज पाकिस्तानी कौम जिस महंगाई की दलदल में डूब चुकी है, आज पाकिस्तानी मईशत जिस जबूं हाली का शिकार है, आज पाकिस्तान के वो दोस्त
जो सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े होते थे, आज वो दोस्त हमसे रूठे हुए हैं। आज 27 अक्टूबर को कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान का किरदार होना चाहिए वो किरदार हम नहीं अदा कर सकते, और पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि वो किरदार हम क्यों नहीं अदा कर सकते। अंग्रेजी में कहते हैं बैगर्स कांट बी चूजर्स, जो भीख मांगता है वो पैसे नहीं कर सकता, अक्वामे आलम में अपनी इज्जत बहाल नहीं कर सकता। मुझे आप ये बताएं कि इकोनॉमिस्ट ने हालिया सर्वे में 43 मुल्कों का सर्वे किया और 43 मुल्कों में से पहले 4 में महंगाई के हवाले से पाकिस्तान का जिक्र होता है। मैंने असेंबली में आज कहा, मैंने कहा कि आज 70 साल के महंगाई के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा वजीर आजम कोरोना के पीछे छुपता है। ये महंगाई तो कोरोना से पहले भी थी, और अब झूठ जो बोला है आपने न्याजी साहब, सुन ले, पूरे रीजन में महंगाई कम हो रही है। यहाँ पर हफ्तावार महंगाई डबल डिजिट में है, 14.48%। हिंदुस्तान में महंगाई गिर के 4.3% पर आ गई है, बांग्लादेश में 5.5% है। तो आप क्यों लोगों से झूठ बोलते हैं? और मैंने कहा था, मैंने कहा क्या झूठ बोलने से पाकिस्तानी कौम जो भूखी है उनके बच्चों का पेट भरता है? क्या आपकी झूठी इल्ज़ाम तराशियों से जो आज लोग दवाइयाँ जो इन्होंने 3 सालों में 12 मरतबा उनकी कीमत बढ़ाई 300 से 500%, क्या लोगों को सस्ती दवाइयाँ आपके झूठ से मुयसर आती हैं? नहीं आती। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो होशरबा महंगाई ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं, एक तरफ लोग महंगाई से रो रहे हैं और दूसरी तरफ इनके झूठ खत्म होने का नाम नहीं लेते। एक वाकई वजीर कहता है कि लोग रोटी आधी खा लिया करें, कोई कहता है कि तेल तो पूरी दुनिया में बड़ा है, अगर पाकिस्तान में बड़ा तो क्या है? बात ये नहीं है, 2014 में जब तेल 100 रुपए का था, 100 डॉलर का, आज तो 85 डॉलर का है, उस वक्त भी पेट्रोल का रेट 105 रुपए फी लीटर था, आज क्यों 138 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है? ज़रा जाके देखें, पूछें उन हज़ारों मरीजों से, जिस डेंगू का खात्मा शहबाज शरीफ ने शबाना रोज़ मेहनत से ख़त्म कर दिया था, आज फिर डेंगू लोगों की जानें ले रहा है, अस्पतालों में जगह नहीं है, 10,000 लोग डेंगू का शिकार हैं, और उस 10,000 में से 6,000 का तल्लुक लाहौर से है। आज भी 522 केसेस फ्रेश डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं। तो मैं इस नया पाकिस्तान का नारा लगाने वालों से पूछता हूं कि जिस 22 घंटे की लोड शेडिंग को हमने ख़त्म किया, आपने उस लोड शेडिंग को वापस ले आए, इसी तरह आप जिस डेंगू का हमने मुकाबला करके ख़त्म किया, आप उस डेंगू को वापस ले आए। आज हर रोज़ ये कौम हर रोज़ 13.5 अरब रुपए की मकरूज़ हो रही है, 15,000 अरब रुपया इन 3 सालों में कर्ज़ा लिया गया, जो मुस्लिम लीग नून के 5 साल दौर से 140% ज़्यादा है। चलो कर्ज़ा लेते हैं, कर्ज़ा लेकर खुदा के फजल व करम से बिजली घर लगे, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, मुल्तान से लाहौर मोटरवे बनाई, कराची सखर कराची लाहौर मोटरवे बनाई, हासिलपुर बहावलपुर रोड बनाई, खानेवाल लोधरा रोड बनाई, मंसूबे मेगा प्रोजेक्ट लगाए, यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट
इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट बनाया खुदा के फजल करम से। तो मेरे भाइयों, आज वो नया पाकिस्तान तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ लोग झोलियाँ उठाकर पहले रोते हैं, कहते हैं हमें पुराना पाकिस्तान लौटा दो। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आज बतौर पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान उस दौराहे पे आ गया है जहाँ पर मिन हैसल कौम, अगर हमने होश के नाखून ना लिए तो इस मुल्क को खुदा ना खास्ता नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है, और ये मुल्क मजीद इमरान अहमद न्याजी के झूठ वादों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अच्छा मियां साहब, ये बताएं कि बलोचिस्तान में तब्दीली की वेव चल पड़ी है, बेशक गवर्नमेंट के अपने अलाइज सामने पीछे हो गए, आप अभी पीडीएम का कहा था, पीडीएम भी ये बार बार कह रहा है कि अगर चाहे इस वक्त इस हुकूमत से निजात दिलाना चाहें तो मुस्लिम लीग नून के पास बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है पंजाब में गुजार हुकूमत के खिलाफ, और मरकज़ में भी वो कहते हैं हम साथ हैं। जब इतनी आपने अंदर भी ये बात की, इतनी तकलीफ है, महंगाई है, लोगों की ज़िंदगी अजीरन है, तो आप इस किस्म के किसी ऑप्शन पर गौर करेंगे कि आप अदम एतमाद इस्लामाबाद में या लाहौर में लेकर आए? मैंने कहा है अभी अंदर कहा है, मैंने असेंबली में अपने खिताब में ये बात कही है कि देखे ये तो तब्दीली की हवा नहीं चला सके, ये तब्दीली सरकार की बात कर रहा हूँ। कहते थे साफ साफ चली, शफाफ चली, एक तरफ लोग आटा जो 500 रुपए किलो मिलता था आज 80 रुपए किलो मिल रहा है, चीनी जो 55 रुपए किलो थी आज 100 रुपए में नहीं मिलती है, एक तरफ तो लोग दो वक्त की रोटी को तरस गए हैं, और दूसरी तरफ आटा स्कैंडल जिसमें अरबों का गबन, चीनी स्कैंडल जिसमें अरबों का गबन, बीआरटी स्कैंडल जिसको अपनी हुकूमत की रिपोर्ट कहती है कि इसमें अरबों रुपए का गबन हुआ है। तो आपकी बात का जवाब यह है कि आज मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ ये हमारा सियासी फरीजा है बतौर पाकिस्तानी, हमारा कौमी फरीजा है, और बतौर इंसान अल्लाह ताला को हम क्या जवाब देंगे कि जब पाकिस्तानी कौम उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे, फाकों ने मजदूरों के घरों पर डेरे डाले हुए थे, बिजली का बिल आता है तो लोगों को अपना आप बेचकर बिजली का बिल अदा करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनका ये अव्वलीन फ़र्ज है कि सड़कों पर असेंबलियों में ऐसी काविश करें, हर आइनी ऑप्शन इस्तेमाल करें कि इस हुकूमत को चलता करें, इसका मुहासबा करें। और मैंने आज इजलास में कहा है कि इंशाल्लाह अब इनका यौम हिसाब आने वाला है, इनका मुहासबा पाकिस्तानी कौम करेगी, और हर एक झूठे वादे का, चाहे वो 1 करोड़ नौकरियां हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, 50 लाख घर थे लोगों के घर, तो ये नजायज तजावजात का नाम देकर गिरा देते हैं, और बनी गाला का जो महल है वो महज चंद लाख में रेगुलराइज करा देता था, और फिर ये रियासत मदीना का नारा लगाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, अगर शर्म ना भी आए तो अब पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह ताला इनको असल आईना दिखाएगी, और गैब का इल्म अल्लाह जानता है, लेकिन ये नौश्ता दीवार है कि इमरान न्याजी को इस वयूर कौम से किए जाने वाले एक एक झूठे वादे का हिसाब देना पड़ेगा। ये है कि वफात में और खास तौर पर पंजाब में आप जो हैं वो कलदम तहरीक की जो गिनती है वो पूरी कर चुके हैं, और काफ लीग के सहारे के बगैर आपके पास इतने वोट हो चुके हैं, तो अपने ताया जान नवाज शरीफ को क्या मशवरा देंगे? आपको इजाज़त दे दें तरीके में? देखिए ये उनकी इजाज़त से बताया जा रहा है मजबूत है, आपको इजाज़त नहीं दी। ये फैसला अपोजिशन जमातों ने करना है, ये फैसला पीडीएम के फोरम पे होना है, और यकीनन हम सब भी सोचते हैं, जो आपका सवाल है तरीके अदम एतमाद का जहाँ तक ताल्लुक है ये एक आइनी ऑप्शन है, और जब तमाम सियासी जमातों से मुशावरत हो जाएगी, सड़कों पे एहतजाज भी एक ऑप्शन है, तो इंशाल्लाह इस
कातिल महंगाई के खिलाफ इसने आवाम का जीना दोबर कर दिया है, इसके लिए हम हर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, मुशावर का हमें अमली बनाएंगे। और अगर साहब ये बताइएगा, एज ए पॉलिटिकल पर्सन, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, आप समझते हैं कि क्या इन हाउस तब्दीली ऑप्शन है या अर्ली या इलेक्शन ऑप्शन है? एक तो दूसरा ये बताइएगा, अगर इलेक्शन होते हैं तो जिस तरह से बनी गाला में जादू टूना चलता है, कोई आपने भी मोकर शोकर ढूंढा है कि नहीं? हमारा वकील जो है ना, वो अल्लाह ताला की साथ है, वो कहते हैं हस्बुनल्लाहु नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर। आपकी बात का सियासी वर्कर के नाते जो सवाल आपने पूछा है, तो मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन ऑप्शन अगर इस मुल्क को मैदान में से निकालना है, जो बड़ा मुश्किल काम है, अल्लाह ताला हमारी मदद करे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो सबसे बेहतरीन हल है। एक नया मैंडेट हो, ना के ये चुराए हुए मैंडेट के लोग ऑपरेशन हो रहे हैं, आप हुकूमत की सपोर्ट करते हैं ऑपरेशन में? टीएलपी के शहीद भी हो गए, एक ये सवाल है, क्या टीएलपी के मुतालबात दुरुस्त हैं, क्या हुकूमत उन्हें दुरुस्त हैंडल कर रही है या नहीं? अपोजिशन सपोर्ट जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई पूरे सूबे में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से ये कहना चाहता हूँ, चाहे मईशत का मामला है, चाहे खारजा अमूर का मामला है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इस हकूमत ने हर इशू को मिस हैंडल किया है। कोई भी मुआशरा इस बात का मुतहमल नहीं हो सकता कि इन खौफनाक मुआशी मसाइल के होते हुए हम मज़ीद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करें। एक पाकिस्तानी के नाते मैं भी आपकी तरह तशवीश में मुब्तला हूँ और दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान में अमन दोबारा बहाल।